नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साया चैनल में। आज मैं इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले मैं मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ चीज़ें बता चुका हूँ आपको, लेकिन आज मौर्योत्तर काल का आखिरी सेक्शन होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख गणराज्य। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख गणराज्य और आर्थिक स्थिति। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख गणराज्य और आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे। ये मौर्योत्तर काल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहीं से आपका मौर्योत्तर काल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम शासकों की विशेष चर्चा करने वाले नहीं हैं, शासक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कनिष्क आपको बता दिया, कनिष्क के शासकों के बारे में बता दिया, कुजुल कटफिसेस के बारे में बता दिया, भीम कटफिसेस के बारे में बता दिया, कनिष्क के बारे में बता दिया, वासुदेव के बारे में बता दिया, अंतिम जो शासक वासुदेव रहे हैं कनिष्क के, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें मैं गणराज्यों और क्या नाम है आर्थिक स्थिति की चर्चा करने वाला हूँ। देखेंगे मौर्यकालीन प्रमुख गणराज्य क्या है, कलिंग। कलिंग का चेदी वंश, कलंग का चेदी वंश जो है, ये जो संस्थापक हैं इसके, चेदी वंश संस्थापक रहे हैं, वह है महामेघवाहन। महामेघवाहन जो है चेदी वंश के संस्थापक रहे हैं, और सबसे योग्य शासक जो आप हमेशा सुनते रहते हैं वो हैं खारवेल। खारवेल का हाथी गुम्फा अफलेख के बारे में आप पढ़ते हैं, वो चेदी वंश के ही शासक रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो चेदी वंश के शासक कौन रहे हैं, खारवेल, ठीक है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। उसके बाद हैं मालवगढ़ लोग, ये कुछ लोग होते जिनका नाम था मालवगढ़ लोग, कहा जाता है एक समुदाय था ये, तो मालवगढ़ लोग कहा जाता था इन्हें, मालवगढ़ कहा जाता था। तो ये लोग जो थे, ये जो है सिकंदर का जब अटैक होता है, सिकंदर जब आक्रमण होता है, तो ये होते हैं पश्चिम से भाग के पंजाब में आके बस जाते हैं। पंजाब में आके बस जाते, कहाँ पर, राजपूताना में, पंजाब के राजपूताना में आके बच जाते हैं मालवगढ़ लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हल्का हल्का जान लीजिए। अर्जुनायन लोग थे, जिस तरह से मालवगढ़ लोग थे उसी तरह से अर्जुनायन लोग थे, ये जो थे भरतपुर अलवर में, भरतपुर अलवर में आकर, क्या मतलब, आके बस गए थे, आके बसे हुए थे। कहाँ भरतपुर अलवर कहाँ है, राजस्थान में। भरतपुर अलवर कहाँ है, राजस्थान में, यहाँ आके बस गए थे। ये अपने को पांडवों की संतान मानते थे, अर्जुनायन नाम है अर्जुन जो कि पांडव थे, इसी कारण से ये लोग अपने को पांडव यानी युधिष्ठिर और अर्जुन की संतान मानते थे। भरतपुर अलवर क्षेत्र में ये रहते थे, ये आपको दिमाग में हल्का रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है वाकाटक राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण वाकाटक राज्य है। यहाँ से प्रश्न आपका हिस्ट्री में आता ही आता है, ठीक है, आ जाता है। और अगर नहीं देख रहे, ध्यान से नहीं अगर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वाकाटक राज के संस्थापक है बिंद शक्ति। तो बिंद शक्ति कौन है, वाकाटक राज के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। 225 ईस्वी से 275 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया है, किसने, वाकाटक राज्य ने, 225 ईस्वी से 275 ईस्वी। इसी के बाद आपको गुप्त काल की शुरुआत होगी, ठीक है ना। तो वाकाटक राज्य के संस्थापक बिंद शक्ति रहे हैं। कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक कौन है, महामेघवाहन। महामेघवाहन याद रखिएगा दोनों में, ये आंध्र सातवाहनों के अधिकारी थे, ये उन्हीं के आगे के रहे हैं, इन्होंने वाकाटक राज्य की स्थापना की थी, आंध्र सातवाहनों के अधिकारी, ठीक है। प्रवर सेन इसमें रहे, वाकाटक राज्य के दो शासक महत्वपूर्ण रूप से हम लोग पढ़ते हैं, वो एक है प्रवर सेन प्रथम, एक है रुद्र सेन द्वितीय। प्रवर सेन प्रथम और रुद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम जो थे ये थे, इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ठीक है, याद रखेंगे। और रुद्र सेन द्वितीय जो थे, इन्होंने सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी, सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी, याद, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी इतिहास में, तो रुद्र सेन द्वितीय ने की थी। अब आते हैं आर्थिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। इस काल में, मतलब कि मौर्योत्तर काल में,
व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन हुआ करते थे, जिन्हें श्रेणी या समूह कहा जाता था, जिन्हें श्रेणी या समूह कहा जाता था। किसे कहा जाता था? व्यापारियों और शिल्पकारों के समूह को क्या कहा जाता है? श्रेणी या समूह कहा जाता था। ठीक है, इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है, अन्य नाम इनका रहा है निगम और पूगा। तो निगम और पूगा की संज्ञा किसे दी जाती? पूगा आता है प्रश्न, पूगा की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो मौर्योत्तरकालीन व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा जाता था। मिलिंद पन्हों का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हों में जो है ये पुस्तक है ये, ठीक है, मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसाय का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के? 75 प्रकार के व्यवसाय का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे कितने प्रकार के? 75 प्रकार के व्यवसाय के वर्णन किया गया मौर्योत्तरकाल मिलिंद पन्हों में। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लाभप्रद जो रहा है वो समुद्री व्यापार माना गया है। समुद्र के रास्ते से जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा लाभप्रद माना गया है। और दक्षिण भारत में होने वाला रोमन व्यापार कौन सा है? समुद्री व्यापार ही रहा है। समुद्री व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार जो है रोमन व्यापार था, इसीलिए दक्षिण में रोमन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। रोमन सिक्के सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? पूरे भारत की अगर हम चर्चा करें तो पूरे भारत में सर्वाधिक रोमन सिक्के दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्यापारियों का जो समूह था जिसे हम लोग, हमने कहा क्या कहा? श्रेणी कहते थे, समूह कहते थे, पूगा कहते थे, निगम कहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता? सार्थ कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को क्या सार्थ भी कहा जाता था, और इसके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। उसी समय मौर्य काल में एक हिप्पोलस नाम का ग्रीक नाविक था। उसने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की थी। तो मानसूनी हवाओं की खोज किसने की थी? हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक था। ग्रीक नाविक था और उसने मानसूनी हवाओं की खोज की। कौन सी मानसूनी हवाएं? जो क्या नाम है, अरब सागर में चलती थी। ठीक है, भारत से यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाली वस्तुएं मतलब कि पश्चिम की बात कर रहे हैं, जिसको निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी? हाथी दांत का सामान, मसाले जानते ही हैं। ठीक है, मोती, सूती वस्त्र और इत्र का निर्यात किया जाता था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देंगे, पूर्वी एशिया की जब हम बात करते हैं तो वर्मा आ जाता है उसमें, मलेशिया आ जाता है, कंबोडिया, वर्मा यानी कि म्यांमार की बात कर रहे हैं आप, आधुनिक म्यांमार की बात कर रहे हैं वर्मा, इंडोनेशिया, वियतनाम ये सभी देश कैसे पूर्वी हैं, पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। इन्हें स्वर्ण भूमि की संज्ञा दी जाती थी मौर्योत्तर काल में। क्यों? क्योंकि जब व्यापारी इन देशों में जाते थे तो उन्हें ध्यान देंगे अगर जाते थे तो उन्हें सोने की प्राप्ति होती थी, स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। इसलिए इस क्षेत्र को यानी पूर्वी एशिया और पूर्वी देशों को क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि का देश कहा जाता था। इसी समय सिल्क रूट की बात कर लें, रेशम मार्ग से कहा गया, पर कुषाणों का अधिकार था। किसका अधिकार था? कुषाल मतलब कि कुजुल कटफिसेस की हम बात कर रहे हैं, बिम कटफिसेस की बात कर रहे हैं, कनिष्क की बात कर रहे हैं, हुविश की बात कर रहे हैं, वासुदेव अंतिम शासक कुषाणों की हम बात कर रहे हैं। इन लोगों का सिल्क रूट पर प्रभुत्व था, एकाधिकार था एक तरह से। ठीक है, इनकी तीन शाखाएं थी, सिल्क रूट की तीन शाखाएं थी। सिल्क रूट एक था कैस्पियन सागर से जाने के लिए, कैस्पियन, जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो कैस्पियन सागर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर तक जाने वाला मार्ग दूसरा मार्ग, और तीसरा मार्ग था भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि सिल्क मतलब होता है रेशम, मतलब रेशम मार्ग, और रेशम का व्यापार चीन से होता था।
एक रूट तय किया गया था जो इन तीन मार्ग तय किए गए थे यहाँ से होता था। एक शाखा भारत की भी थी, ये जो ऊपर की शाखा ऊपर की बता रहे कैस्पियन सागर वाली, ये चीन से कनेक्टेड थी, अर्थात पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों को जोड़ने के लिए इस सिल्क रूट का इस्तेमाल किया जाता था। सिल्क रूट नाम इसलिए पड़ा, सिल्क मतलब रेशम, यानी कि रेशम का व्यापार शुरुआत में चाइना के रेशम का व्यापार होता था इस रूट के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट या रेशम मार्ग पड़ा था। ठीक है, वर्तमान में भी सिल्क रूट है। ठीक है, हालांकि इसका विस्तार हो चुका, अफ्रीका भी इससे कनेक्ट हो चुका है। अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, इस काल में, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में भारतीय बंदरगाहों की संख्या 22 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौर्योत्तर काल में भारतीय बंदरगाह कितने थे, जिसे भारत के बंदरगाह वर्तमान में पढ़ते हैं उसी तरह उस समय कितने बंदरगाह हुआ करते थे, तो 22 बंदरगाह थे। कितने थे? 22 बंदरगाह थे, याद करेंगे 22। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था उस 22 बंदरगाहों में? तो भड़ोच, भड़ोच जो कि पश्चिम में था, भड़ोच जो याद रखेंगे भड़ोच। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह उसकी हम यहाँ पर चर्चा करे दे रहे हैं। मुजरिस, मुजरिस जो थी एक बंदरगाह था जो कि केरल में था। नीलकंठ, नीलकंठ जो था वो पांड्य क्षेत्र, पांड्य क्षेत्र मतलब तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। पांड्य की बात जब हम लोग करते हैं तो मतलब दक्षिण में चले जाते हैं, पांड्यों के क्षेत्र था वो। ठीक है, उसके नीलकंठ की बात कर लें, बरबारिकम सिंधु का मुहाना हुआ करता था, सिंधु के मुहाने बरबारिकम नामक बंदरगाह था। अरिकामेडू काफ़ी महत्वपूर्ण है, अरिकामेडू जिसे पेडोक कहा गया है एर्थियन ऑफ सी पुस्तक में, पेपर्स ऑफ एर्थियन सी। ठीक है, ये पुस्तक है, इसके राइटर का नाम पता नहीं है। ठीक है, उसमें अरिकामेडू को पेडोक कहा गया है और ये पूर्वी क्षेत्र में था, यानी कि ये पौंडीचेरी का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? पौंडीचेरी का क्षेत्र है। ठीक है, तो अरिकामेडू। कोरकई जो था तमिलनाडु में था, कोरकई तमिलनाडु में। सैमिलिया जो था महाराष्ट्र में था। सोपारा भी महाराष्ट्र में था। नौरा किन्नौर में था। नेलसिंडा आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे नेलसिंडा। और एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति, ये भी आता है तो बंगाल में था। ठीक है ना, तो ताम्रलिप्ति भी महत्वपूर्ण है, भड़ोच भी यहाँ ऊपर देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही बंदरगाहों को याद रखेगा, इसका स्थान कहाँ था, कहाँ कहाँ है, तो इसकी पोजीशन याद रखेंगे, कभी भी परीक्षा में आ सकता है, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, आईएएस का, या वनडे एग्ज़ाम हो, कभी परीक्षा दिन पर दिन टफ होती जा रही है, इसीलिए आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी। मुजरिस याद रखेंगे, मुजरिस केरल में, नीलकंठ पांड्य में, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंगाल, भड़ोच बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था उस समय का, मौर्योत्तरकालीन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो भड़ोच। देखा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कवर किया, खासकर बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वाकाटक राज याद रखिएगा, वाकाटक राज यहाँ पर जितने वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ।